एक डिफरेंट सी चीज़ है जो आपके फीट हैं, जो आपके पैर हैं, ये आपके लिए बहुत ही लकी हैं। जैसे जो राहु है, राहु को ये एक कंप्लीट होने की फीलिंग दिलाते हैं, राहु में कंप्लीटनेस लेके आते हैं। तो आप जब भी कोई कार्य करने जा रहे हैं, उसके लिए आप अपने फीट ज़रूर देखें घर से जाने से पहले। ये आपके लिए लकी हैं, आपका लकी चार्म है जो आपके फीट हैं। हाय फ्रेंड्स, आई एम टैरो तानिया फ्रॉम एस्ट्रो टॉक। एंड हमारी पुरानी वीडियोस में मैंने बात करी थी नंबर 1, 2 एंड 3 के बारे में। आज हम इस बारे में बात करेंगे मूलांक 4 के बारे में, जो कि राहु का होता है। और जिन भी पर्सन का बर्थ किसी भी मंथ की 4th, 13th, 22nd एंड 31st को हुआ होता है, वो इस प्लैनेट के अंदर आते हैं, वो राहु के अंडर आते हैं। और राहु के करेक्टरिस्टिक्स भी उन लोगों में होते हैं। राहु के क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं? राहु बेसिकली जो ग्रह है वो है फ्रीडम का ग्रह है और रिसर्च का ग्रह है। वैसे ही जौन से ये लोग होते हैं, ये पुश्तानी चीज़ों में, जो एंशियंट चीज़ें होती हैं, इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते हैं। ये लोग साइंस में बिलीव करते हैं और ये लोग अपना एक अलग से पाथ बनाते हैं, अपने लिए रिसर्च करते हैं। और इनका जो थिंकिंग होती है, जो इन लोगों की सोचनी होती है, वो बहुत ही डिफरेंट होती है बाकी लोगों से। ये लोग आउट ऑफ द बॉक्स एकदम सोचते हैं। ये लोग अपनी लाइफ में बहुत ही डिफरेंट और स्ट्रेंज थिंग्स करते हैं। और ये लोग बहुत साहसी भी होते हैं, कई बार ये कोई ऐसी चीज़ों में भी हाथ डाल लेते हैं जो बहुत ही मेहनत मांगती हैं और बहुत ही डिफरेंट होती हैं, और उसको भी अपनी मेहनत और सच्चाई से करके उस चीज़ का रिजल्ट लेके आते हैं। और ये लोग की एक और बहुत अच्छी चीज़ होती है कि ये लोग नेगेटिव चीज़ों को भी पॉजिटिव करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं, अपने मन को शांत रखते हैं। जो नेगेटिव वाइब्स होती हैं उनको भी पॉजिटिवली सोच के अपना मन शांत रखते हैं। ये लोग बहुत पंचुअल होते हैं और बहुत ही टाइम से सब कुछ करना पसंद करते हैं। और ये लोग जैसे करेजियस तो होते ही हैं, और कहीं ना कहीं ये लोग थोड़े ईगोइस्टिक भी होते हैं। इनको अपने ऊपर प्राउड होता है, अपने ऊपर कई बार ये लोग बहुत ही मान करते हैं, और जो जिसकी वजह से कई बार इनके जो रिलेशंस हैं सोसाइटी में या अपने घर में अपने फादर के साथ या कहीं थोड़े रिलेशंस में कई बार थोड़ी परेशानी ये लोग इन लोगों को देखनी पड़ती है। ये लोग बहुत ही इगोइस्टिक टाइप के होते हैं, और जो इनकी नेचर होती है वो थोड़ी ज़िद्दी टाइप की भी होती है। और इनको बगावत करना भी, मतलब ये अपने हक के लिए बगावत पे भी उतर आते हैं। अपने हक के लिए ये किसी की भी नहीं सुनते, अपने हक के लिए ये पूरा लड़ते हैं और अपनी जो चीज़ होती है उसको पाकर ही अच्छे से शांति लेते हैं। इन्हीं बातों के पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, अपनी करेजियस और ज़िद्दी नेचर की वजह से और अपनी अपने हक के लिए लड़ने वाली नेचर की वजह से ये लोग अपने जो सोशल सर्कल होता है, जो भी जहाँ पर ये उठते बैठते हैं वहाँ पर ये काफ़ी अच्छा पार्ट अपना प्ले करते हैं। कई बारी ये लोग किसी जैसे मंदिर की, किसी संस्था के या फिर कोई भी एनजीओ हो, कुछ भी ऐसी चीज़ों के भी ये लोग लीडर भी रहते हैं। इसको बहुत अच्छे से ये लोग चलाते हैं इन सब चीज़ों को, और वहाँ पर जो भी चीज़ें हैं, जो भी बातें होती हैं, वो इनकी मानी जाती हैं। इनके हिसाब से जो बाकी के भी लोग होते हैं वो इनके हिसाब से चलते हैं, बिकॉज इनकी जो थिंकिंग होती है वो बहुत डिफरेंट होती है। इनका जो उनके साथ बात करने का तरीका होता है, इनको जो बताने का तरीका होता है उनका, वो बहुत डिफरेंट होता है। सभी लोग इनकी चीज़ों को लाइक करते हैं। चलिए आइए अब हम बात करते हैं इनका करियर कैसा होता है। इनका इनकी जो नेचर है वो बहुत ही हार्डवर्किंग होती है। ये लोग अपनी चीज़ों के लिए हार्डवर्क करते हैं, बट स्टिल कई बार ही इनको पॉजिटिव इफ़ेक्ट और अच्छी आउटपुट नहीं मिलती, जिससे कि ये लोग बहुत परेशान रहते हैं और साथ ही साथ और मेहनत करने की भी प्रयास करते हैं, और जिससे इनको फिर काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलने के चांसेस होते हैं, और इनको अच्छे रिजल्ट्स मिलते भी हैं। और ये लोग इनको सक्सेस तो बहुत मिलती है, और ये लोग साथ ही साथ स्पेंड भी बहुत करते हैं। इनको अपना अपने घर के ऊपर स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है, इनको लग्जरीज पे स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। ये लोग अपने कार्स पे बहुत स्पेंड करते हैं, और जौन से ये लोग अपने घर में लग्जरीज लेके आते हैं, लग्जरीज चीज़ें जौन से अपने घर में लगाते हैं, उससे जो इनके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो बहुत इम्प्रेस होते हैं। उनसे वो चीज़ें इनके फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को बहुत ही आकर्षित करती हैं, उनको बहुत ही अच्छी लगती हैं।
ये लोग सोसाइटी में हाई स्टेटस अचीव करने के लिए बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं और अपनी पूरी मेहनत व परिश्रम से अपना जो रिजल्ट होता है वो लेके आते हैं। और ये लोग मोस्टली होते हैं या तो ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स होते हैं या फिर ये लोग होते हैं साइंटिस्ट, इनका साइंस में काफ़ी इंटरेस्ट होता है। ये तो बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी होते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे इनके एजुकेशन के बारे में। इनकी एजुकेशन वैसे बहुत अच्छी जाती है, लोग पढ़ाई में काफ़ी अव्वल रहते हैं, बट कई बारी इनकी नेचर की वजह से, इनकी स्टबर्न और ज़िद्दी नेचर की वजह से या फिर इनकी कोई और परेशानी की वजह से ये लोग अपनी स्टडीज़ बीच में ही छोड़ देते हैं। अपनी जैसे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन बीच में ही ड्रॉप कर देते हैं, पूरी कंप्लीट नहीं करते हैं, जिससे कि नेगेटिव इफेक्ट आता है। धीरे धीरे इनके नेचर में भी थोड़ा परिवर्तन आता है, थोड़े परेशान रहने लग जाते हैं, बट विद टाइम वो सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। और अदरवाइज़ जो इनका इंटरेस्ट होता है वो ज़्यादातर साइंस में होता है और इलेक्ट्रिकल रिलेटेड चीज़ों में होता है, और इनको हिडन नॉलेज में बहुत इंटरेस्ट रखना अच्छा लगता है। ये लोग जैसे कि गुप्त विद्या होती है, हम कह सकते हैं कि इनको एस्ट्रोलॉजी में भी इंटरेस्ट होता है, या जो भी स्पिरिचुअल चीज़ें होती हैं इनको वो बुक्स भी रीड करना पसंद होता है। और अगर ये लोग अपनी एजुकेशन बीच में ड्रॉप भी करते हैं तो भी इनका जो, इनको देख के कोई जज नहीं कर सकता, बिकॉज इनका जो अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका होता है सबके सामने वो बहुत ही अच्छा होता है, जिससे कि जो एक नॉर्मल बंदा है जो इनको ज़्यादा नहीं जानता वो जज नहीं कर सकता कि इन्होंने अपनी एजुकेशन को बीच में ड्रॉप करा हुआ है या फिर इनके पास इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट नहीं करी है। तो उस तरह से ये लोग बहुत ही शार्प माइंडेड और इंटेलिजेंट भी होते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे इनकी लव लाइफ कैसी होती है, इनकी फैमिली लाइफ कैसी होती है। जो इनकी लव लाइफ है, ये लोग अपना बहुत अच्छा अपने पार्टनर के साथ रिलेशन रखते हैं, अपना अपना फुल देते हैं, अपने पार्टनर को बहुत पैम्पर करते हैं, अच्छे से उसके साथ रिलेशन रखते हैं। और जौन से बॉयज़ होते हैं ये लोग मोस्टली फीमेल फ्रेंड्स ही बनाते हैं, फीमेल्स की तरफ ज़्यादा ये लोग अट्रैक्ट होते हैं, बॉयज़ फ्रेंड्स में कम बिलीव करते हैं। और साथ ही साथ ये लोग थोड़े फ्लर्टी भी होते हैं, बट ये लोग अपने पार्टनर के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करके रखते हैं। कभी होता है इनकी लव लाइफ में थोड़े इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, इनकी लव लाइफ सक्सेसफुल नहीं हो पाती है, बट उसके लिए जो हम एंड में चीज़ें बताएंगे वो आप कर सकते हैं, उससे आपको थोड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। और हाँ, हम बात करें इनकी फैमिली लाइफ के बारे में, तो इनकी जो सी फैमिली लाइफ होती है उसके अंदर वैसे तो सब अच्छी जाती है, इनका वैसे आउटसाइडर्स के साथ रिलेशन ज़्यादा अच्छा होता है फैमिली से कंपैरिजन में, या फिर लवर के कंपैरिजन में, जैसे इनके फ्रेंड्स के साथ या फिर जो इनके कोलीग्स हैं और उन सब के साथ इनका रिलेशन ज़्यादा अच्छा होता है। बट समटाइम्स इनका जो इनके फादर के साथ या फिर इनके सन के साथ इनका रिलेशन में थोड़ी परेशानियाँ आ जाती हैं, थोड़ा रिलेशन ख़राब हो जाता है। बट विद टाइम ये लोग जब नेगेटिव चीज़ों को भी पॉजिटिव लेना शुरू हो जाते हैं, विद टाइम चीज़ें ठीक हो जाती हैं, विद टाइम जो रिलेशनशिप में थोड़े इश्यूज आते हैं वो भी ये लोग मैनेज करके ठीक कर लेते हैं। इनकी जो मोस्टली अट्रैक्शन होती है वो होती है मूलांक 1, 2, 4 और 7 वालों के साथ। अगर ये लोग अपना पार्टनर चूज़ करते हुए इस नंबर का ध्यान रखें तो इनकी लव लाइफ, इनकी फैमिली लाइफ काफ़ी सपोर्टिंग और काफ़ी अच्छी जाती है। बट कई बारी जो भी प्रॉब्लम आती है वो इनकी स्टबन और ज़िद्दी नेचर या फिर जौन सी इनकी मनमौजी नेचर होती है। बेसिकली इनका जो थिंकिंग होती है वो इनकी फैमिली के साथ, जैसे इनके फादर के साथ इनकी क्यों डिस्टर्बेंस रहती है, क्योंकि इनकी थिंकिंग मैच नहीं करती है, क्योंकि इनकी थिंकिंग बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स होती है, बहुत ही डिफरेंट ये लोग थिंक करते हैं, उसकी वजह से इनके रिलेशनशिप में इश्यूज़ आते हैं। बट वो सब चीज़ें भी विद टाइम विद एज ठीक हो जाती हैं। सिबलिंग्स के साथ कैसा रिलेशन होता है, इनके फ्रेंड्स के साथ कैसा रिलेशन होता है, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया कि इनका आउटसाइडर्स के साथ रिलेशन ज़्यादा अच्छा होता है, अपने सिबलिंग्स के साथ भी इनका रिलेशन अच्छा होता है। बट द थिंग इज़ कि जैसे नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि ये लोग अपने सिबलिंग्स का बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत अच्छा उनके लिए करते हैं, बट इनको इन रिटर्न उतना अच्छा नहीं मिलता, जिसकी वजह से इनको थोड़ी इरिटेशन आने लग जाती है रिलेशनशिप में और थोड़े इश्यूज आने लग जाते हैं।
बट विद टाइम जब ये लोग ये समझ लेते हैं कि मेरे को कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना और नेगेटिव चीज़ों को भी पॉजिटिव लेते हैं और उससे ही धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगता है और सब कुछ बेटर होने लगता है, जिससे इनका रिलेशनशिप सिबलिंग के साथ, रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ बहुत ही अच्छा रहने लगता है। अब हम बात करेंगे इनकी हेल्थ कैसी रहती है। इनकी हेल्थ में एज सच कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आती है, बट इनको धीरे धीरे डेफिशिएंसीज आने लगती हैं बॉडी में। कई बार अनीमिक भी हो जाते हैं लोग, जिसकी वजह से इनको हेल्थ इश्यूज़ आते हैं। जो इनको हेल्थ इश्यूज़ आते हैं वो या तो आते हैं थोड़े ब्रेन इश्यूज़ टाइप, जैसे स्ट्रेस रहने लग जाता है, या फिर थोड़ा मूड स्विंग्स आने लग जाते हैं, या फिर इनको आती है बैक पेन, थोड़ी हार्ट की प्रॉब्लम या बीपी। इसके लिए जो भी मैं आपको उपाय बताऊंगी, एक तो वो ज़रूर करें, और इन लोगों को अपनी हेल्थ अच्छी रखने के लिए अपना मन खुश रखना चाहिए। और एक बात और होती है, ये लोग मेडिसिन्स खाने में बिलीव नहीं करते, इनको मेडिसिन्स खाना अच्छा नहीं लगता। और इन लोगों को मेडिटेट करना अच्छा लगता है, इनको ध्यान लगाना अच्छा लगता है, क्योंकि राहु का जो एक और मीनिंग होता है वो ध्यान भी होता है। राहु ध्यान का भी ग्रह माना जाता है, ध्यान का नंबर भी माना जाता है 4। तो इनको ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना अच्छा लगता है और इनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल भी माना जाता है मेडिटेट करना। अब हम बात करेंगे इनके लिए बेनिफिशियल चीज़ें कौन कौन सी होती हैं। इनके बेनिफिशियल कलर्स होते हैं ब्राउन, डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन दोनों, और इनके बेनिफिशियल कलर्स में ब्लू भी आता है। और जौन से मल्टी कलर्ड कपड़े होते हैं, जिसमें 2-3 कलर्स, 4 कलर्स होते हैं, मल्टी कलर्ड कपड़े भी इनके लिए लकी माने जाते हैं, बेनिफिशियल माने जाते हैं। इनकी बेनिफिशियल डेट्स कौन सी होती हैं। इनकी बेनिफिशियल डेट्स हैं 4, 13, 22 एंड 31। ये इनके लिए लकी डेट्स मानी जाती हैं। इनका बेनिफिशियल स्टोन कौन सा होता है। इनका बेनिफिशियल स्टोन होता है गुमेद, जो होता है कैट आई। ये इनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है, इसको आप धारण करें और उससे आपकी लाइफ में थोड़े चेंजेस आपको दिखाई देंगे। इनके लकी डेज कौन से होते हैं। इनकी लकी डेज होते हैं संडे, वेंसडे एंड सैटरडे। ये इनके लिए लकी माने जाते हैं। कोई कार्य आप करने लगे हैं, अगर आप थोड़ा डेज का ध्यान रखें, आप इन डेज में करें, तो आपके लिए शुभ माना जाएगा। अब हम बात करेंगे इनको रेमेडीज़ क्या क्या करनी चाहिए। एक तो जौन सी जो हमारा मूल होता है, मैंने अपनी सबसे फर्स्ट वीडियो में भी बताया था, वो हमारा अंदर का स्वभाव होता है, हमारी नेचर कैसी है, ये हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप ये सब रेमेडीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ ये आप करेंगे, उसका जो आपका अंदर का नेचर है, आपका एक तो मन शांत रहेगा, जो आपकी अंदर की नेचर है वो कूल रहेगी और अच्छी रहेगी, जिससे कि आपकी लाइफ पे, लाइफ के हर एक आस्पेक्ट पे, आपकी फैमिली पे, आपके बिजनेस पे, आपके स्टडीज़ पे, आपकी हेल्थ पे, हर एक चीज़ पे उसका इफ़ेक्ट आता है। तो जो रेमेडीज़ हैं वो आप ज़रूर करें। एक तो सबसे पहले जो आपको रेमेडी एक छोटी सी है जो वो करनी है, एक आपको थोड़ा डिप्लोमेसी से चलना है। जो भी आप कार्य कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जिसमें भी आप लोग, जैसे मैंने आपको बताया था, लीडर हैं, ये वो हैं, तो कई बार जो आसपास के लोग होते हैं वो आपसे जेलस करने लगते हैं, आपसे खुश नहीं होते हैं। तो आपको जो अपने डिसीजंस लेने, अपनी बातें करनी है, थोड़ी डिप्लोमेसी से करनी है। और एक जो गणेश जी की पूजा है, गणेश जी की पूजा आपके लिए काफ़ी लकी मानी जाती है। गणेश जी की पूजा करते समय आप पिकॉक फैदर का इस्तेमाल करें, वो बेनिफिशियल रहता है। एक बहुत ही एक डिफरेंट सी चीज़ है, जो आपके फीट हैं, जो आपके पैर हैं, ये आपके लिए बहुत ही लकी हैं। जैसे जो राहु है, राहु को ये एक कंप्लीट होने की फीलिंग दिलाते हैं, राहु में कंप्लीटनेस लेके आते हैं। तो आप जब भी कोई कार्य करने जा रहे हैं, उसके लिए आप अपने फीट ज़रूर देखें घर से जाने से पहले। ये आपके लिए लकी हैं, आपका लकी चाम है जो आपके फीट हैं। और जो आपकी लाइफ में आपका एक फोकस होना चाहिए, आपका एक गोल ज़रूर होना चाहिए। मैं एक और चीज़ बोलूँगी, जो भी आपके बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको आपको पता है कि उनका नंबर 4 है, इनको शुरू से ही एक गोल रखने की आदत डालें। स्कूल टाइम से ही उनको बोलें कि आपको जो भी करना है वो आप लिखो एक जगह पर, आपको पता होना चाहिए आपको क्या करना है। एक टाइम टेबल सेट करो, एक गोल सेट करो इनकी लाइफ में, उससे इनको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और सक्सेस मिलेगी।
और जो मेडिटेशन है वो इनके लिए एक तरह से भगवान का तोहफा है, भगवान का गिफ्ट है। ये लोग मेडिटेशन ज़रूर करें, मेडिटेशन से इनकी इंटरनल हेल्थ अच्छी रहेगी, इनका मेंटल पीस बढ़ेगा। और जो राहु ध्यान का भी कारक होता है, राहु ध्यान का भी ग्रह है, तो ध्यान लगाने से भी इनका जो जो भी परेशानियां लाइफ में आ रही हैं वो सब आनी कम हो जाएंगी और आपको सक्सेस और हैप्पीनेस मिलेगी। Thanks for watching my video and please subscribe the Astrotalk channel and आप मेरे से बात करने के लिए, अपनी कोई भी परेशानियाँ हैं आपकी लाइफ में, आप मेरे से बात करने के लिए Astrotalk के प्लेटफॉर्म पे आके टैरो तानिया आप सर्च करके चैट या कॉल आप मेरे साथ कर सकते हैं। मैं आपको हर चीज़ में आपको हेल्प करके हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।